अच्छा, मैं वैसे मेरा नाम समतन मोंगमो है और मैं पोंडा साहिब से आई हूँ। फिर अभी यहाँ से जैसे ऐसे निकल रही थी तब तो ये देखा एग्जीबिशन है ना, जब अंदर आए तो पहले तो पता नहीं था, फिर आपसे पता करके ना फिर ऐसे पता लगा तो बहुत अच्छा लगा। फिर सब सबके लिए बहुत क्या बोलते हैं बेस्ट विशेस है, सब अच्छे ही हो है ना। एक थॉट जैसे आपसे जैसे पता लग गया ना, जैसे बहुत अच्छा लगा। फिर क्या बोलते हैं उनको जैसे ऐसे काम भी सीख जाते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं जैसे बाहर आते हैं तो फिर वो कुछ भी पता नहीं है, जैसे कैसे क्या बोलते हैं नॉलेज कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोई तो अंदर जाके जैसे बाहर आते हैं तो ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं अब बाहर जाके भी क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब ऐसे नहीं है, जैसे बाहर जाएंगे तो जैसे प्राउडली जा सकते हैं कि यहाँ अंदर जाके ये सीखा, अब ये जाके ये सीखा, फिर वो उस काम पे ही लग जाते हैं ना, जैसे उसमें बेकाम नहीं रहते, सब काम करके रहते हैं। प्रोजेक्ट में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? प्रोजेक्ट तो सब अच्छे लगे, हिमाचली तो सब अच्छे लगते जी सब अच्छे। अभी देखते देखते आ रहे थे ना, अभी अंदर आ रहे। मैं यहाँ शिमला का निवासी हूँ और हम कई सालों से इनका जितने ये प्रोडक्ट्स देखते हैं और बल्कि अच्छे लगते हैं हमें, हमने कई लिए हैं इनसे लिए हैं और इनके डिफरेंट जगह पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो जैसे कोई भी आपने फर्नीचर लेना है तो फर्नीचर का आप ऑर्डर करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ है, यहाँ से ज़रा ले जाना मुश्किल होता है तो हम इनके वहीं से जहाँ इनका कारखाना है कारखाना से ही हम वहाँ पर सामान से अपने उसके मुताबिक जो साइज़ है वो ले लेते हैं। अब आज के ज़माने में जेल नहीं बोला जाता, आजकल सुधार घर बोला जाता है। तो सुधार उनको जो उनका जो मानसिक वो है एक लेवल है वो इन चीज़ों को देखने से करने से तो इनका सुधार होता है। जितने भी वहाँ के प्रिजनर्स हैं उनको उनका सुधार किया जाता है, उनको इन चीज़ों पर लगाने से उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनको उनकी आमदनी भी बढ़ती है। और इसी तरह से सब जगह होना चाहिए, सारे देश में ये ऐसा होना चाहिए। कितनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं इनके पास, हम तो देख के बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं देख करके। बल्कि अपने एक अभी चीज़ देखी है तो वो कह रहे थे कि आप जिस साइज़ का बनाना है उस साइज़ का आप हमारे को बता देना, हम वैसा बना के आपके घर भी पहुँचा देंगे। मेरा नाम दविंदर सिंह वाटर है, मैं सेंट्रल जेल कंडा में बतौर वाटर के पद पर तैनात हूँ। और मैम ये जो एग्जीबिशन लगी है मैम ये 3 दिन की लगी हुई है, पिछले कल से ये लगी हुई है और ये अगले कल तक रहेगी मैम। और इसका मैम मेन मोटो यही है कि जो हमारे बंदी भाइयों ने जो भी हमारे ये जो सामान तैयार किया होता है इसको मैम लोगों तक पहुंचाएं कि ये कितना मेहनत करते हैं और लोगों के बीच में मैम इनके लिए अच्छा संदेश जाए कि ये सुधर चुके हैं मैम, जैसे कि अंदर रहने के कारण ये काफ़ी लोग इनमें काफ़ी जो बदलाव आया है मैम, तो यही मैम इसका मोटो है। हाँ जी, मैक्सिमम जो हमारी हमें हिमाचल की जेलों में मैम लगभग मैम 2500 के करीब कैदी हैं और इनमें से मैम कम से कम 1500 या 1600 के बीच में मैम जो कन्विक्ट हैं, जो मैम उनको मैम सज़ा हो चुकी है। और जो मैम इनमें से कम 1000 या 1200 लोग ऐसे हैं जो मैम इसमें जो खुद काम करते हैं इसके लिए, तो मैम उनको मैम जैसे भी वो कल को ये बाहर जाते हैं जैसे उनकी सज़ा पूरी होने के बाद तो उनको मैम यही फ़ायदा होता है कि बाहर के लोगों के साथ मैम उनका तो एक जो है कि उनके बाहर के लोगों को उनका पॉजिटिव जो है मैसेज जाता है और दूसरी मैम उनको जो कल बाहर के लिए मैम जो काम करने के लिए अच्छा ज़रिया बन जाता है मैम। मैम मैक्सिमम सारे जो भी मैम हमारे हिमाचल में मैम जो जहाँ भी प्रदर्शनियाँ लगी हैं वहाँ मैम मैक्सिमम जो लोग हैं वो मैम जो भी कैदियों के हाथ की बनी चीज़ें मैम सबको पसंद करते हैं। पर मैम मैक्सिमम जो है जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे हैंड ग्लूम के लिए हैं मैम और फर्नीचर के हैं मैम, इनको सबसे ज़्यादा जो है मैम पसंद किया जाता है। तो मैम जो भी हमारे पास मैम रिस्पांस आया है लोगों का जो मैम हमारे पास क्योंकि उस बार बार परचेज़ करने के लिए मैम उसके लिए आते हैं कई लोग, तो मैम स्पेशली ऑर्डर करते हैं हमारे। मेरा नाम गुड्डू राम है, मैं 5 साल से यही काम कर रहा हूँ। ये काम जानते थे आप? नहीं, सिखाया गया जी? नहीं मैम, मैं पहले से ये काम नहीं करता था, मैं अंदर ही ये काम सीखा हूँ। 5 साल में जैसे जितना टाइम मेरे को अंदर हो रहा है उसके हिसाब से काम सीखा हूँ। क्या कि बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हमारे पास हुनर भी है, दूसरा हुनर भी मिल चुका है और हमारी जो परिवार है उनके लिए भी हम कुछ कमा के दे पा रहे हैं, हर चीज़ अच्छा लग रहा है मतलब। जी मेरा नाम सुरेश है और मैं 18 साल से जेल में हूँ, तो ये काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। इससे पहले जब काम नहीं था तो बहुत सारी मुश्किल आती थी,
घर परिवार को संभालना, जैसे कोई कोई जेल में आ जाता है तो उसका फ़र्क ज़्यादा घर वालों पे पड़ता है, उसके परिवार पे पड़ता है। तो जब से ये काम शुरू हुआ है, मेरे को 6 साल काम करते हो गए, तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। घर पैसा भेज रहा हूँ, घर वालों को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो भी पूरी हो रही है, मैं उनपे को पैसे दे पा रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ से। अब इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 6-7 साल से काम शुरू हुआ है। पहले हमारे डीजी भी आए थे, सुमेश गोयल जी, तो उन्होंने हर हाथ को काम दिया था। जितना भी जो भी कुछ आप देख रहे हैं इस एग्जीबिशन में जो भी लगा है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है जो ये काम कर रहे हैं। फर्नीचर है, बेकरी है, बाकी खड्डी का है, और भी सामान है। तो वो सारे अपने परिवार को पाल रहे हैं। कोई ऐसा है जिसको अपने केस के लिए पैसा नहीं कर पाता है, वो भी अपने केस के लिए पैसा, वकील को पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है यहाँ से। वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि नहीं, थोड़ा फ्री हो गए हैं, अच्छा लग रहा है।